देखिए अब बात करने जा रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। भाई आप बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि दो मास पार्टिकल अगर हैं, उनके मासेस m1 और m2 हैं, तो उनके बीच फोर्स काम करता है, और वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन का होता है। और फोर्स की वैल्यू क्या बताई थी उन्होंने, F=gm1m2/r2। न्यूटन साहब ने ये कहा, कूलम्ब ने क्या कहा, कूलम्ब ने कहा अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उन पे जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, K q1 q2/r2। लेकिन एक लफड़ा है, अगर हम बात एक इलेक्ट्रॉन ले लें और एक प्रोटॉन ले लें, तो न्यूटन के हिसाब से ये तो अट्रैक्ट करेंगे, कूलम्ब के हिसाब से भी करेंगे, लेकिन अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें तो न्यूटन के हिसाब से इसे क्या करना है, और कूलम्ब के हिसाब से, तो अब क्या किसको सही माने कि न्यूटन वाज राइट और कूलम्ब वाज राइट। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिएगा, आप रास्ते में जा रहे हैं, 5 रुपए का सिक्का पड़ा है, आपको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वो गोबर भी पड़ा है इंसान की गोबर पे, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, मन क्या करेगा, मन के रुपया तो दिखेगा 5 रुपए का सिक्का, लेकिन करोगे क्या, लेकिन वो चूंकि 5 रुपए उठाओगे, लगभग नहीं उठाओगे, 500 रुपए लगभग नहीं उठाओगे, 500 की गड्डी पड़ी है तो सो सकते हो ना, तो रुमाल डालोगे धीरे से जेब में डालोगे और जल्दी से बाथरूम में घुस जाओगे, आकर के बाथरूम में आकर के अपना धोगे, धो करके देखोगे उसमें क्या, चिल्ड्रंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब आज इतने गुस्सा लगेगा कि क्या हो गया, फिर क्या मन लगेगा कि 500 गड्डी फिर वही डाला है, कोई दूसरा अपना उठाएगा करके। ठीक है, तो यही यहाँ लफड़ा होता है, होता क्या है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो कूलम्ब का नियम भी यहाँ वैलिड है, दोनों रिपेल करेंगे, और न्यूटन का नियम भी यहाँ वैलिड है कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अंतर यह है कि जो कूलम्बियन फोर्स है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, न्यूटोनियन फोर्स की तुलना में अरबों खरबों की संख्या में ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया पहला एग्जाम्पल लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और ये एक प्रोटॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है, प्रोटॉन का मास एम पी है, दोनों के बीच की दूरी आर है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूंगा, समझा दूंगा। तो जब यहां ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात करोगे क्या होगा, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। और जब अब देखिए कहीं कहीं पर निगेटिव लिख देते हैं, वो निगेटिव चार्ज माइनस में कर दो, आप यहां पर साइन नहीं लगाएंगे माइनस प्लस। और जब आप कूलम्बियन फोर्स लिखेंगे इसको एफ ई मान दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका के ई इंटू ई, यानी दोनों का चार्ज कितना होगा, ई होगा ना, अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, तो ऐसा करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या आएगा के ई स्क्वायर और नीचे आएगा जी एम ई इंटू एम पी। अब चूंकि ये सब आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आप रखेंगे यहां पर के की वैल्यू है आपकी 9 × 10⁻¹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ जी की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻¹⁹ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये नहीं मालूम, 9.1 × 10⁻¹⁹ क्या होता है इंटू 10⁻¹⁹ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.7 × 10⁻²⁷ ये होता है। ठीक है, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट हम करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसके लिए लिखा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, ये कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 2.27 × 10⁻³⁹ 2.27 × 10⁻³⁹ यानी जो जो आपका कूलम्बियन फोर्स है वो न्यूटोनियन फोर्स की कंपैरिजन में 10⁻³⁹ टाइम्स ज्यादा है। तो चूंकि इतना ज्यादा है इसलिए उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब जैसे एक आप प्रोटॉन ले लें और दूसरा भी प्रोटॉन ले लें, दूसरा ले लेंगे आप प्रोटॉन प्रोटॉन ले लें, ये भी एम पी हो जाएगा। ठीक है, यहां भी एम पी हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, यहां भी एम पी हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज आएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन में कहां चेंज आएगा, यहां पर चेंज आएगा।
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.24 इंटू 10 पावर 36। यानी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 1.24 इंटू 10 पावर 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स होगा। देखिए आपको इसको जैसे कहीं को डायरेक्ट लिखना है तो ये वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, आप लिखेंगे 10 पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है, 10 पावर 36 बड़ी वैल्यू होती है तो इसलिए इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए आपने क्या किया, एक चार्ज यहां रखा प्लस क्यू, ठीक है, वैसे प्लस क्यू का मतलब कुछ भी नहीं होता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए कम हो जाए वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां पर जब भी चार्ज लेंगे कौन सा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हमने, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जितने कूलम भी हो सकती है, और एक छोटा सा दूसरा चार्ज हम लेकर के यहां पर आए, कोई वैल्यू हो सकती है उसकी। तो हमने देखा उस चार्ज पे कुछ फोर्स लगने लगा, जबकि भाई साहब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है कि कोई तार जुड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक ऐसा भौकाल टाइट कर रखा हुआ है, उस भौकाल के अंदर ये चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। भाई इसके चारों ओर तो एक स्पेस है, उस स्पेस को क्या कहा गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कोई भी चार्ज अपने चारों एक स्पेस में एक प्रकार का फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, अगर लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन लिखिएगा, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, किसी भी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे। ठीक है, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वो भाव से लिखना हो, एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ी इसकी होती है। अब देखो हमने कहा टेस्ट चार्ज, सुनिए ध्यान से, हमने जो फील्ड क्रिएट किया हम बोले तो चार्ज, तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए वैसा ही क्या लाना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट नेचर का, अपोजिट नेचर में क्या होता है ना, जब अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन में वो मजा नहीं आती है, लड़ाई नहीं दिख रही थी ना, फोर्स एक्सपीरियंस तब समझ आता है जब बिल्कुल लड़ाई हुआ तुम्हारी दसी मारो बात, तो इसलिए सेम चार्ज लेके आते हैं, लड़ाई हुआ अरे वाह लड़ रहे हैं, ले फोर्स तो भी एक्सपीरियंस करेगा। अब हुआ यूं कि हम एक चार्ज लेकर के आए, इसके ये एक चार्ज रखा हुआ था, इसने एक फील्ड क्रिएट किया, उसमें एक चार्ज लेकर के आए, उस चार्ज पे कुछ फोर्स लगा, उस फोर्स मेजर करने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, कोई स्प्रिंग बैलेंस हमने लगा दिया होगा, वो फोर्स कैसे मेजर किया जाएगा वो एक अलग साइंस है। ठीक है, हम एक और चार्ज लेकर के आए, उस पर भी फोर्स लगा, लेकिन उस चार्ज पे कुछ डिफरेंट फोर्स लगा, यानी कि जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो यही है, लेकिन जो टेस्टिंग करने वाला चार्ज है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब फील्ड कितना फोर्स क्रिएट करेगा वो डिपेंड किस पर भी करता है, चार्ज टेस्ट चार्ज पे भी करता है। भाई एक को थप्पड़ मारा ऐसे, हाँ अरे दादा को मर गए, और एक का मार दो, हाँ लोग मारो भाई, एक थप्पड़ तुम्हारे मार दे और एक भैंसक मार दे, तो भैंसक कुछ मतलब समझ आएगा क्यों समाज जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी कर दोगे, ठीक है, तो भी उस पर फोर्स कम लगेगा ना, तो इसका मतलब जो फोर्स काम करता है, जो फील्ड की जो ताकत है वो किस पर डिपेंड करती है, इस पर भी करती है, फील्ड ताकत उतनी रहेगी लेकिन ये जो एक्सपीरियंस करेगा वो इसके चार्ज पर। ठीक है भाई, जैसे अरई गांव में अरई लेते हैं, अरई अरई जानते हो, भाई नहीं जानते हो, अब तो बैलगाड़ी जाती नहीं, बैलगाड़ी जब चलाया जाता था तो डंडा रखा जाता था और डंडे में आगे बाधी बांधी जाती थी ऐसे मारने के लिए, अब बैल को मारो तो तरत उछलता हुआ भागता चला जाएगा, और भैंसक मारो
उस दूरा जो है उसका फर पड़त न रहा है तो अराई रखी जाता है, लोहे की ऐसे से कोची जाती थी, उसमें भी नहीं मानते थे क्योंकि भैंसे का मांस ज्यादा होता है। तो यानी कि इसकी ताकत कितनी है वो किस पर डिपेंड करती है। इसीलिए हम इसकी ताकत को एक्सपीरियंस करने के लिए जो चार्ज लेके आते हैं ये बहुत ही मरीला टाइप लेके आते हैं, जैसे मैं बड़ा ताकतवर हूँ, आ जाओ वाजपेयी बहुत ताकतवर, आप निकल निकल आओ, तो आप हमसे लड़ने के लिए किसको भेजोगे, हमसे ताकतवर को भेजोगे, वो सलाम को उठा फेंक देगा, तो हमसे लड़ने के लिए किसको भेजोगे, मरगिल्ला को भेजोगे ना, और उसको हम फेंक देंगे, यार बहुत तेज मारे ने फड़फड़ा गिर गए। तो यानी कि टेस्ट चार्ज जो भेजा जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही नेग्लिजिबल होनी चाहिए। क्यों भाई, भाई ये भी तो चार्ज है ना, ये भी तो फील्ड क्रिएट करेगा, और ये फील्ड जब क्रिएट करेगा उसके अंदर ये भी रखा हुआ है, तो अगर इसने इस पर फोर्स लगाया तो ये भाई साहब भी तो इस पर फोर्स लगाएंगे, तो जो भी टेस्ट चार्ज हम भेजेंगे वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो अगला टॉपिक आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखते आइए बोलेंगे लिखेंगे तो हर चीज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, इफ अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू नॉट चार्ज आवेश रखा जाता है, देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एकांक परिचयावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे लिखा होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, लेकिन देखिए ये आपका सोर्स चार्ज, ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्यों कहा गया, ये भोपाल टाइप कर रहा है, इसको टेस्टिंग करने के लिए यहां पर क्या रखा गया, टेस्ट चार्ज रखा गया, ठीक है, तो ये होता है, तो टेस्ट चार्ज रखा गया उसके पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड गिवन बाय ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं आपके साथ यहां एक चीज और, कभी कभी लिखा होता है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मैथमेटिक्स वाले लिमिट जानते हो, लिमिट का मतलब होता है क्यू नॉट जीरो नहीं है, बहुत बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक, नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो ये लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं, आप लिखे ही, मतलब आप फिलहाल वहां न जाओ, बहुत मैथ में न जाओ, फिजिक्स को बिल्कुल मैथ में जाएंगे तो बायोलॉजी वाले कहेंगे अरे वाह क्या फिजिक्स है, हाँ लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ भाई इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ई बता सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, होगी वो टॉपिक मिला उसमें बुक में, हाँ तो उससे थोड़ा सा हेल्प ले लो। अच्छा अगर मैं आपसे डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन ऑफ ई, देखिए इलेवेंथ क्लास में जो डायमेंशन आपने पढ़ी, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे थे जो कहा गया आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, और बड़े क्लास में जब फॉर्मूले आ गए तो आप डायमेंशन निकालेंगे नहीं, तो डायमेंशन आ भी सकती है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो तो पार्ट है, जब यूनिट पार्ट होता है हमेशा, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ सी कूलम, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है, डायमेंशन पढ़ी है आपने, नहीं भूलने से काम नहीं चलेगा, इसकी होती है एमएलटी इनवर्स टू, और कूलम की क्या होती है, कूलम की क्या होती है, पहली बात तो कूलम एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्यू बराबर आई टी होता है, आपने करंट को पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू बराबर आई टी पढ़ा है ना, तो आई आपका जो एम्पियर होता है फंडामेंटल यूनिट होता है, मूल राशि या मूल मात्रा का आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, तो क्यू की होगी आई इंटू टी, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर बोले तो ए, सेकेंड बोले तो टी,
तो क्या आएगा एम एल टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स वन। जितने भी फॉर्मूले रास्ते में मिलेंगे उन सबकी डायमेंशन निकालनी मुश्किल, हम कहें या ना कहें आप निकाल लीजिए। एक चीज और समझिए कि जैसे कहीं पर आपको एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किया वो तो अलग बात है, यहां मैंने इनको दिखा दिया है, अभी ये पर्दे के अंदर बंद नहीं है, ये पर्दे के अंदर है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल क्यों रखा है ये वाला, ठीक है, तो उस पर जब फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे क्यू इंटू ई, ये फोर्स फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने कहा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहा कूलम्स लॉ, एफ बराबर एम ए, पी बराबर एफ पर ए, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा क्यू इंटू, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पहले समझने की कोशिश करिए। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को रख रहे थे तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स काम कर रहा था, तो आपने कहा था टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये कहा था ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किसने किया था वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठीक है, वो ये भूत आया भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया दिख नहीं रहा था, लोग भाग रहे थे तो हम भी भाग रहे थे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला चार्ज है वो क्या कहला रहा है वही पॉइंट चार्ज। अब वो बाहर आ जाएगा तो कहते हैं सपोज एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, मतलब एक चार्ज है जो एक पॉइंट पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज मतलब उसका नाम कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, एक चार्ज है जो एक पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, उसकी ताकत कुछ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ओ एंड देयर इज द पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी ताकत के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा, वैसे ही आप निगेटिव भी ला सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब जब टेस्ट चार्ज यहां रखा जाएगा तो टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है वन अपान ने के ना लिखा करिए, के कंफ्यूजन बहुत करता है बार बार, के रखने से इतनी आदत पड़ जाएगी वन अपान फोर वाइफ याद ही नहीं रहेगा, तो आप वन अपान फोर वाइफ लिखा करिए, यहां पर के डायरेक्टली कॉन्स्टेंट के लिए रखिए रिजल्ट, क्योंकि जब वो के आएगा ना तो वो कहेगा चाचा वो पहले वाले के देन वी गे, तो बेहतर ये है क्या उनका इस्तेमाल ना करिए, कर सकते हो ये नहीं करें, तो क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। एक चीज और ये भी हो सकता है कि ये जो क्यू है ना जिस मीडियम में रखा है उसका कुछ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी हो, जरूरी थी वैक्यूम हो, ठीक है, तो आप यहां चाहो तो के का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कि जितने भी टॉपिक आप प्रूफ करोगे क्या लिखोगे कि सपोज द चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट इज के, उसका जो परावैद्युतांक है वो के है, तो फोर्स निकल आया, तो जब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, आपने यही तो कहा कि इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो को इंटेंसिटी कहते हैं, तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद या नहीं आ गया, अगर यहां पर वैक्यूम होता इन वैक्यूम तो वैक्यूम एक वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, क्या होती है हमने बताई थी वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है सही है सर सही कर लीजिएगा, बॉम्बे वाले दिल्ली वाले भोपाल वाले जितने भी स्टूडेंट से पूछा गया सब यही बताते हैं स्पेलिंग होती है वी ए सी डब्ल्यू एम, फिर वैक्यूम के वैल्यू क्या होती है वन होती है, एयर में नहीं होती वन, मानी जाती है वन, एयर में 1.0054 करके होती है,
होती बहुत नेग्लेजिबल है, बहुत छोटी होती है। तो वैक्यूम में क्या हो गया, यानी ये हम फिलहाल मान किसके लिए बनाएंगे, एयर के लिए भी। सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0qr। समझ में आई बात। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किसी भी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, कि जिस नहीं केवल यूनिट वेक्टर नहीं भाई, जिस डायरेक्शन में वो वर्क कर रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राधे के ध्यान से, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये आर की डायरेक्शन है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो आप तो 1/4πε0qr² मल्टीप्लाइड बाई आर कैप, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। समझ में आई बात, यानी आप यहां क्या देख रहे हैं कि e प्रोपोर्शनेट 1/r² होता है, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, नोट करिए। अब जरा एक चीज देखिए, e की वैल्यू r चेंज होने पर चेंज हो रही है, तो एक नोट करके लिखिए, जरा समझने की कोशिश करें। अगर किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है ना, इसका होता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे रखा जाए तो फिर फोर्स भी अलग अलग होगा। भाई मान लीजिए ये एक आपका सोर्स चार्ज है जिसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा था, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करा था वो कहां तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था। वो वैल्यू अलग की बात है, डिक्रीज होती जा रही थी कि जाए इन्फिनिटी तक रहा था। तो अगर टेस्ट चार्ज यहां रखा जाए तो फोर्स कुछ और लगेगा, यहां रखा जाए कुछ और लगेगा, यहां रखा जाए कुछ और लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो चूंकि ई की वैल्यू आर पर डिपेंड करती है, एज ई चेंजेस विद आर, चेंजेस विद आर, यानी आर के उससे चेंज हो रही है की वैल्यू, सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, इसको नोट करके लिख सकते हैं आप, ऑन अ टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय एफ बराबर में क्या बताया था, क्यू नॉट इंटू ई बताया था। ठीक है, तो आप यहां इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा और यहां ब्रैकेट में आर लिख दीजिएगा। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट फिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब इस आर का और कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो आर के हिसाब से चेंज होता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। नोट करके नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं तो बहुत सारे चार्जेस फील्ड क्रिएट करेंगे। तो देखिए हमने कहा मान लीजिए एक चार्ज यहां रखा हुआ है। अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बताई दी हमने, तो उसके लिए याद करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो अब उसके लिए फोर्स पर लेम तरह से, तो याद कर लीजिएगा प्लस चार्ज से दूर की ओर होती है, ये नोट कर लीजिए कहीं पर, और नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस से दूर की ओर होती है, नेगेटिव की ओर होती है, मतलब प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती हैं और माइनस में जाके मर्ज हो जाती है, ओरिजिनेट होती हैं प्लस से और मर्ज होती हैं माइनस में। ठीक है, अब देखिए, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए। ठीक है, तो वो चार्ज माने यहां पर रखा है प्लस क्यू वन रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू टू रखा हुआ है, यहां पर माइनस क्यू थ्री रखा हुआ है, यहां पर माइनस क्यू फोर रखा हुआ है, और उससे चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये सभी मिलकर के यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं टी पॉइंट पर। हमने कहा बताओ कितना क्रिएट कर रहे हैं, तो दो तरीके से हम बता सकते हैं, एक टेस्ट चार्ज को यहां लाके रख बैठा देंगे तो बहुत चिल्लाएगा, हाँ चाचा यो आंखी दिखा रहे हैं, यो डांट रहे हैं, वैसे होता है छोटा बच्चा होता है भीड़ में आ गया, अब भीड़ में लोग खिलाने के लिए बेटा ये बेटा चुप, ऐसा मतलब उसकी मम्मी नहीं जान पा रही और तो पीछे ऐसे आंख दिखा दिए और रोने लगा, हम मम्मी बेटा क्यों रो रहे, उनको कहा पीछे चाचा बेटा आंखी दिखा रहा है, तो ये भाई साहब भी इसको आंख दिखाएंगे, रिपेल करेंगे, ये इनको क्या करेंगे,
अटैक करेंगे, ये रिपेल करेंगे, सबका फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर। जब सबका फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स उस काम निकाले और नेट फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो काय के लिए एसएम निकाले, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो पॉइंट चार्ज निकालना सीखा हुआ है। तो ऐसा करते टेस्ट चार्ज की बात ही हम नहीं करते, बात तो टेस्ट चार्ज की जाएगी। तो इसकी इससे डिस्टेंस हमने माना आर वन है, इससे डिस्टेंस हमने माना आर टू है, इसे डिस्टेंस हमने माना आर थ्री है, इसे डिस्टेंस माना हमने आर फोर है। तो क्यू वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इवन, तो क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, डायरेक्शन प्लस से दूर, प्लस से दूर, ये इवन हो गया। अब इसका जो वेक्टर वैल्यू हो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां हमको मालूम हो जाएगा ना कि स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल पे निकालना है तो डायरेक्शन मालूम हो जाएगी ना वहां पर। तो हमने क्या किया आर वन के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, बस जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ड्यू टू क्यू टू निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन प्लस से दूर, ई टू हो गया। और इसको हम किसे करते मल्टीप्लाई आर टू कैप। इसी प्रकार से क्यू थ्री की वजह से निकाल ले तो आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू थ्री अपॉन आर थ्री स्क्वायर, और ये आर थ्री कैप से मल्टीप्लाई कर दे और ये इसकी डायरेक्शन होगा माइनस की और। अब आप कहीं साहब और है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो उससे कोई, ये क्यू अपने आप यूनिट वेक्टर का मतलब जो भी उसकी डायरेक्शन हो, इसका मतलब इधर से इधर या इधर से इधर नहीं है, आर थ्री के लांग है। अब जब ई फोर निकालेंगे तो आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू फोर अपान आर फोर स्क्वायर आर फोर कैप, ये भी क्या करेगा ये ई फोर हो जाएगा। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे क्या करोगे सबको वेक्टोरियली प्लस कर दोगे, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर ये चीज ये नहीं चलेगा, उसमें वैल्यू चलेगी लेकिन डायरेक्शन दिखाई पड़ेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको चार्ज के साइन से मतलब नहीं है, उसके डायरेक्शन से मतलब है। ठीक है, नोट करिए इसको, समझ आई बात नहीं आई।